Hello students, I'm Dr. Jyotsna and your biology teacher at Meet Udaan. आज शानदार संडे है तो एक शानदार सी बात आपसे शेयर करने आई हूँ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के लिए कि जब आप अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज का बहुत ख्याल रखना है जो कहते हैं ना शानदार ख्याल रखना है आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ठीक है शानदार चैप्टर्स है जिनको आपको याद करने में बिल्कुल नानी याद आ जाती है जिसको कहते हैं आपका एनिमल क्लासिफिकेशन आपकी प्लांट एनाटॉमी आपकी मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स और आपके डेट्स और साइंटिस्ट आपने इन सब का एक शानदार सा छोटा सा एक चार्ट बना लेना है जिसको आपने अपने थंबनेल वाले जो होते हैं ना वो बोर्ड से स्टडी टेबल के पास या आपने कहीं पर भी उसको लगा लेना है सो दैट आप हर रोज उसको एक बार नजर मारें जब आप हर रोज उस चार्ट पे नजर मारेंगे तो वो जो आपकी रिपीटेड रिविजन वाला टारगेट है ना वो पूरा हो जाएगा मैं कुछ हिंट्स आपको दे सकती हूँ कि ये वाले फ्लो चार्ट तो आप जरूर बना लें आपके एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फाइलम चाहे वो प्लांट क्लासिफिकेशन के चाहे वो एनिमल क्लासिफिकेशन के अलॉन्ग विद फ्लो चार्ट कि आपके पास एक फ्लो चार्ट है कि ये मेरी इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है वर्टिब्रेट उसके नीचे एग्जाम्पल्स साइंटिफिक नेम के साथ ऐसा ही प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए कि ये मेरे क्रिप्टोग्राम है ये फिनाइरोग्राम है और विद उनकी डिविजन्स एंड एग्जाम्पल्स लाइकवाइज आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने रूट स्टेम लीफ का एक मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल बना लिया उसी तरीके से रूट स्टेम लीफ की आपने जैसे फाइलोटैक्सी हो गई इनफ्लोरेसेंस होगी वेनेशन होगी ऐसे करके एग्जाम्पल्स के फॉर्म बना लेने फिर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट जो इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी के जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिनके नाम आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए नेशनल पार्क्स है आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज के इंपॉर्टेंट डेट इनके छोटे 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 चार्ट्स आपने बना लेने हैं और रोज उनको स्टडी करना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था किस ईयर में हुआ था है ना मेरे पास काजीरंगा लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है मेरा नियोफ्रॉन कौन से एनिमल क्लास को बिलोंग करता है एव्स को ऐसे वाले आपको सारे के सारे छोटे छोटे फ्लो चार्ट तैयार करने हैं एक शानदार तैयारी के लिए एक शानदार बोर्ड भी होना चाहिए तो इस संडे शानदार में आपने ये काम करना शुरू कर देना है थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे आप अपने ये बोर्ड तैयार करें ताकि एक रिपीटेड रिविजन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर शानदार बोर्ड एंड वी विल सी यू वेरी सून वंस अगेन बाय बाय